तो ये मेरा नया नाश्ता है आज कल जो मैं खा रहा हूँ, बेस्ट रेसिपी है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहो तो दो तीन दिन में टेस्ट सेट हो जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी मेरी कल से स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने कहा आज एक ब्लॉग बना लें, डेली लाइफ का ब्लॉग। कल से थोड़ा डिफरेंट टाइप की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो खैर, ये पैनकेक कहते हो, मैंने आज तक अभी ज़िंदगी में पैनकेक नहीं खाया, सिर्फ नाम सुनता था अंग्रेज़ों से। तो लेकिन एक चीज़ मैंने फिर पिछले कट में मैंने किसी की वीडियो देखी, उसमें चेक की ये रेसिपी, जब अगर देखनी है तो चेक करो, रिमाइंड करो, ग्राइंड करो और फिर पकाओ, ठीक है। तो बहुत सेट चीज़ है, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स एंड गुड फैट्स। नाश्ता डन, पेट नहीं भरा यार, थोड़ा सा भूख लगी है, अभी कुछ जाके खाएंगे पियेंगे, लेकिन अभी के लिए चलो गुजार चलाते हैं। तो खैर, यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो, ये एक पिंपल दाना। तो जब मेरा फ़ोटो शूट ख़त्म हुआ ना, तो मैंने कहा यार कि अब चीट चीट मारेंगे, अब दो तीन दिन दबा के खाएंगे जो मिलेगा। मेरी बर्थडे थी 27 की, जो मेरा फ़ोटो शूट था, उसके अगले दिन हम केक लेके आए थे दो घर पे, एक घर पे थी पार्टी और एक बाहर दोस्तों के साथ। तो बाहर आधा केक मैंने वहाँ पे मैंने अकेले खाया, आधा केक मैंने घर पे आके अकेले खाया। दो दो पाउंड के आधे आधे केक मैंने खाए, मतलब दो पाउंड का एक पूरा केक मैं एक रात में खा गया। रात को भी चार दफ़ा उठा, सुबह 3 बजे 3 दफ़ा उठा और वो केक मैंने बहुत ज़्यादा खाया। चीट तो नहीं मारी, अन्नी कहते हैं ना, अन्नी पा दी मैंने शुगर इनटेक पे। तो उसकी वजह से फिर ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि यहाँ पे दाना निकला, कि यहाँ पे दाना निकला, थोड़ा सा डाइजेशन ख़राब हुआ। तो खैर, फिर अब यहाँ वाला चला गया, मेरे ख्याल से ये रह गया एक। तो आज से मैंने सोचा कि प्रॉपर डाइट स्टार्ट करूँगा, कल से अभी अच्छी डाइट रखी हुई थी और आज भी अच्छी रखी है। जैकनी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता वैसे, लेकिन 2017 के एंड में जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त मुझे बड़ा एक्नी का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा दाने निकल आए थे फेस पे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या वजह, इसकी वजह यह है कि मैं कुछ ख़राब गलती कर रहा हूँ डाइट में, या कोई गलती कर रहा हूँ मैं वर्कआउट के दौरान, या कुछ उससे होता है कि टेस्टोस्टेरोन में कुछ बूस्ट हो, या फिर मेरी एज डाइट का मसला है, या फिर मेरी एज का फैक्टर है कि इस एज में आपको निकलते ही निकलते हैं। क्या पर चले गए खुद ब खुद। तो लेकिन एक चीज़ थी मेरी तरफ से, अगर मैं अपनी सोल्यूशन दूँ ना, तो स्किन केयर रूटीन तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन डाइट पे मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम एटलीस्ट दिन में 3 ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ जो तुम कच्ची खा सकते हो, मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर हो सकता है, क्यूकम्बर हो सकता है, और तीसरा गाजर। ये 3 चीज़ें तुम दिन में 3 दफ़ा खाओ डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। और उसके अलावा पानी की इनटेक ज़्यादा करो, प्लस जिम से जैसे वापस आओगे ना, घर आते हुए पसीने सूखने से पहले तुम्हें नहाना है, ठीक है, विथ नीम गर्म पानी। तो ये 3 टिप्स हैं जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, तो टिप्स देने के लिए मैं हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। तो यार मैंने गाड़ी शाड़ी ठीक कराने जानी है, आज थोड़ा आखिरी दिन है यार, कल फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, फिर वरना ख्वाही ना हो जाए किसी दिन। तो आज गाड़ी की थोड़ी सी चीज़ें चेक करानी है, सर्विस करानी है, तो उसके लिए अभी मैं तैयार होने लगा हूँ। 10:56 हो रहे हैं, तो एकदम मारो ना। गाड़ी में कोई इश्यू नहीं है, सुहेल भाई ने क्लियर कर दिया। एसी का काम भी गाड़ी चलानी है।
far away. Play these little games, acting all away. सैटरडे को लेग वर्कआउट था, कुछ दिन हफ्ते के बाद स्क्वाट्स लगाए, अभी टांगे सो रही हैं। बैठता हूँ तो पता लगता है, सीधे चढ़ता हूँ तो पता लगता है। इफ़ यू डू लेग डे यू विल यू कैन रिलेट। ये अभी गाड़ी चढ़ी है, काम से उतर के आया हूँ। अब आई हैव टू हैव अ स्मॉल नैप, खाना खाऊंगा, अभी भिंडिया बनी है, उसके बाद फिर एक नैप लूँगा, फिर उठूँगा, फिर आके आपसे मजीद बात करता हूँ। लेट मी स्लीप नाउ। अच्छा तो यार मैं सो गया था और इस वक्त बज रहे हैं 7:15, ढाई घंटे सो गया था यार, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो खैर उसके बाद फिर आज इतने मेरी कैलोरीज मैंने कंज्यूम नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मीठा छीटा खाया क्योंकि ना मेरे घर सूजी का हलवा बना था, मैंने वो खा लिया। तो 4:30 बजे मैंने जिम जाना है, तो उससे पहले मैं एक हैवी मील डेफिनेटली पी वर्कआउट में खाता होता हूँ, और जो कि है ये क्या कहते हैं चावल है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने सॉसेज वगैरह डाले हैं, केचप, हॉट सॉस और ब्लैक क्या कहते हैं उसको सोया सॉस, और चिकन है तकरीबन 200 ग्राम। तो इट्स डेफिनेटली गोना पुट अप हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर मी, तकरीबन इसमें होगी 50 से 60 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा। वैसे मैं खुद ये नहीं कहता कि इतनी ज़्यादा प्रोटीन एक मील में होनी चाहिए, लेकिन बस चिकन की वजह से जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है। तो आई हैव 1.5 आवर्स बिफोर आई वर्कआउट, तो मैं खाऊँगा एंड देन आई विल टेल यू माई न्यू ट्रेनिंग साइकिल। हाँ तो भैया यार ये कॉफ़ी मैंने बनाई है अभी बस, तो मैंने प्लान चेंज कर दिया, मैंने सोचा कि यार अभी जिम जा के वॉइस ओवर देते हैं, उसमें बताते हैं। बाय द वे वाली जो शर्ट है मैं पहली बार पहन रहा हूँ फॉर अ वर्कआउट, तो मुझे नहीं पता कि ये है किसकी, घर में मुझे पड़ी हुई मिली, तो वैसे ये चेक करो यार, ऐसी फिटिंग में शर्ट्स हों तो मज़ा ही आ जाए। है मेरे पास ऐसे शर्ट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं कि जो प्रॉपर फिट आते हैं, कुछ हैं कि जिन पर अभी थोड़ी मेहनत लगेगी। 1/8 इंच ऐड करेंगे हम अपने बाजू में तो 16 तक लेके जाएंगे, तो फिर हमारा फिट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो यार ये मैं आज तकरीबन फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ अपने बेंच सेशन का, उसके बाद फिर हम जो है वो म्यूज़िक लगाते हैं। तो ये मैं वार्म अप कर रहा हूँ, पहले मैं पूरी बॉडी वार्म करता हूँ, ज़्यादातर शोल्डर्स एक्सरसाइज करता हूँ, फिर बैक थोड़ी सी वार्म करता हूँ ताकि मेरी बेंच पर सेटअप हो जाए। तो उसके बाद फिर जो है वो मैं खाली रॉड से या 5 kgs पर साइड लगा के पहला सेट वार्म करता हूँ, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे हैवी जाता हूँ अनटिल आई गेट टू द रियल सेट्स। तो खैर जो मेरा फोटोशूट होता है उसमें मैंने दो चीज़ें नोट की कि मेरी जो लोअर एब्स हैं वो वीक हैं, और जो मेरी लोअर बैक है वो वीक है, और थर्डली जो है वो मेरे जो ब्रोकियोलिस मसल है जो बाइसेप को दूर से वाइड नज़र दिखाता है उसमें थोड़ा सा वर्क है। जैसा कि एक्सरसाइज देख रहे हो तो इसमें पता लग गया कि जो लोअर बैक है, जो लोअर लैट्स है सॉरी, मतलब जो थिकनेस जो साइड से नज़र आती है वो लोअर लैट्स की नहीं है इतनी डेवलप्ड। तो मैंने सोचा कि ये वाला प्रोग्राम जो है वो इस प्रोग्राम में मैं जो है वो इन तीन मसल्स को हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रेन करूँगा, ठीक है। तो मैंने फिर इस तरह से प्रोग्राम रखा है कि मैं मंडे को चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन करूँ, जो मतलब आज जो वर्कआउट होना है। तो आप लोग जो है वो अगर मेरा पूरा ट्रेनिंग रूटीन चेक करना चाहते हो मंडे टू सैटरडे, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से देख लो। तो खैर वो लास्ट वार्म अप सेट था, अभी मेरा फर्स्ट सेट है, और इस सेट में मैंने 80 kgs लगाया है। 80 kgs का मैं यूजुअली 8 रेप्स करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं 5 या 6 निकालता हूँ ताकि अगला सेट मेरा PR अटेम्प्ट होगा वो हो जाए। तो आने वाला है नेक्स्ट एनी टाइम। हाँ तो यहाँ पे मैंने लगाया 15 और 20 पर सेट, मतलब 91 kg टोटल। तो मेरा ये PR है, मेरा गोल था कि मैं 2019 के एंड से पहले 100 kgs, मतलब दोनों साइड पे 20-20 की प्लेट्स लगा के दो प्लेट्स 5 या 6 रेप्स लगाऊंगा एटलीस्ट। तो वो मेरा गोल करीब आ गया काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरे सिर्फ 10 kgs रहते हैं, और मैं इस वेट पे मैंने सोचा कि मैं 5 रेप्स का PR मारता हूँ। इससे पहले मैंने किया था तो मुझे 3 रेप्स लगे थे तकरीबन 2 महीने पहले। तो जब भी ये कभी मैं PR मतलब कभी भी मैं बेंच लगाता हूँ तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि हाथ नहीं लगाना, मुझे 4 रेप्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक रॉड नीचे उल्टी की तरफ ना आ रहा हो हाथ नहीं रखना। देखो जैसे इसने यहाँ पे रखा, हालांकि मैंने रेप लगा लिया, मैं समझाता हूँ, क्योंकि बेशक 1 kg की भी आप फोर्स दे रहे हो, सिर्फ हाथ रख लो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो आपकी बेंच काउंट नहीं आती। तो बस अब हम वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं, और ये मेरा बेंच सेशन ख़त्म हुआ, अब बाकी एक्सरसाइज। We'll be right back.
मेरे पास है तीन एग वाइट्स और एक योग है, साथ में दो मफिन्स हैं हैवी है और ये पाइनएप्पल जूस है। ठीक है, मैं अपने ब्लॉग्स को फिल्म्स की तरह नहीं बनाना चाहता, मैं एक झगड़े की तरह बनाना चाहता हूँ, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल शो करना चाहता हूँ, अपना पैशन शो करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से अगर कोई वो भी बंदा हो जो मेरी वीडियोज़ देखे मोटिवेट हो और कहे कि हाँ यार नवीन है एक लड़का इस्लामाबाद में जो अपने पैशन को परस्यू कर रहा है, तो आई वॉन्ट दैट। ठीक है, अभी मेरी फॉलोइंग थोड़ी कम है लेकिन इन द फ्यूचर इंशाल्लाह विद टाइम आई विल बी गेनिंग सम पीपल इंशाल्लाह। अभी भी कुछ लोग हैं तो अभी सब्सक्राइब करो यार। व्हाट आई वांट टू शो इज कि मैं जू ईयर्स दिखाना चाहता हूँ कि मेहनत के बगैर कुछ होता नहीं है, कंसिस्टेंसी की। तो आज मेरी फिजिक 2 साल की मेहनत के बाद इतनी बन गई है और आज से 2-3 साल के बाद मैं पूरी जर्नी अपनी एक डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा लोग होंगे मेरे साथ, तो एक बाकी दुनिया के लिए एक मैसेज होगा कि नथिंग हैपन्स बाय चांस। ठीक है, लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि आप कहाँ थे और कहाँ हो, दे डोंट सी द वर्क। व्हाट आई वांट टू शो इज कि टाइम लगता है और मेहनत लगती है, तो पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं डिमोटिवेट ना हुआ इन द फ्यूचर और ये सोचा गया कि देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं कि मैं सब्सक्राइबर्स का भूखा फिलहाल नहीं हूँ। आप रोज आना अच्छा लगता है सबको, लेकिन नहीं आएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन मैं अपना पैसा तो कंटिन्यू रखूँगा इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। तो खैर एंड वीडियो भूख लगी अभी खाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, शेयर करना, शेयर ना भी करो तो बड़ी बात है, लेकिन जुड़े रहना चाहिए साथ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।